खबर गोवर्धन पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम गाजीगढ़ से है, जहां पर शनिवार की बीती रात अज्ञात लोगों के द्वारा एक व्यक्ति की सरसों की एकत्रित की हुई 2 बीघा फसल में आग लगा जाने का मामला सामने आया है, जिसमें फसल खेत के मालिक ठाकुर लाल धाकड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि आग किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा लगाई गई है, जिसकी सूचना खेत के मालिक ठाकुर लाल धाकड़ को रविवार की सुबह करीब 10 बजे जब खेत का मालिक अपनी फसल को निकलवाने के लिए थ्रेसर लेकर आए तो उन्हें अपने खेत में सरसों की एकत्रित की हुई फसल जली हुई मिली, जिसकी सूचना गोवर्धन थाना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने खेत मालिक के कथानुसार पंचनामा बनाकर अज्ञात लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज कर घटना की जाँच शुरू कर दी है। वैराट से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम अशोक कुमार धाकड़ है, सन ऑफ चिरौंजीलाल। मेरी सरसों में किसी ने कोई व्यक्ति ने आग लगा दी है, उसकी कोई जानकारी नहीं है अभी तक। कल पुलिस भी आई, पुलिस ने भी कोई जानकारी नहीं करी अभी तक। और एक से लेकर मेरी 1.5 लाख का नुकसान हो गया है सर, और कोई पता नहीं है अभी तक।